हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल इज लर्निंग दिस इज़ मोनिका एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपकी रेगुलर uh, सेशन चल रहे हैं चैनल पर आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं और एग्जाम जब भी अनाउंस हो हमें अपनी प्रिपरेशन तभी से तब के लिए स्टार्ट करनी है अच्छे से तो आपको कंटेंट नॉलेज के लिए मैंने थ्योरी क्लासेस के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं पेपर वन के लिए भी और पेपर टू एजुकेशन के लिए भी तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस देखिए साइंटिफिक प्रोग्रेस ये की है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी तो कौन सा ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करता है हमने इसमें किए थे आइडिज़म नेचुरिज्म रियलिज़म पैगमेटिज़म एक्सटेंशलिज़म मार्कज़म ये सब किया था तो रियलिज़म साइंटिफिक प्रोग्रेस की जब भी बात करेंगे वी गो फॉर दी रियलिस्टिक एजुकेशन जो बात करता है साइंटिफिक प्रोग्रेस तो मैंने आपको कीवर्ड की हेल्प से समझाया है हमेशा तो साइंटिफिक प्रोग्रेस जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंटिफिक वर्ड यूज़ होता है इसमें रियलिस्टिक एजुकेशन में रियलिस्टिक एजुकेशन जब हम रियलिटी की बात करते हैं ऐसी एजुकेशन जो आपकी रियलिटी के अकॉर्डिंग हो आपकी नीड्स को फुलफ़िल करें ठीक है आपको ना ही वैल्यूज़ की बात कर रही हैं आप ना ही आप नेचर की बात कर रही हैं तो जब आप रियलिटी की बात करेंगे तो आप कहेंगे रियलिस्टिक एजुकेशन जिसमें आप एट प्रेजेंट जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होगी साइंटिफिक प्रोग्रेस आपको दिख जाएगा गो फॉर द रियलिस्टिक एजुकेशन आइडलिज्म जिसमें बात होती है वैल्यूज़ की नेचुरिज्म नेचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रियलिस्टिक एजुकेशन ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव ऑन वॉट डिपेंड्स दी वैल्यूज ऑफ एन एजुकेशन एक्सपीरियंस इन द आईज ऑफ द आइडलिस्ट मैंने आपको आइडलिस्ट पहले भी बताया जो वैल्यूज की बात करते हैं वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की बात करते हैं ये भी हमने keywords की वर्ड्स की हेल्प से किया था ऑप्शन देखते हैं हम वैदर और नॉट द पीपल हैज़ बीन प्रॉपर्ली मोटिवेटेड ठीक है मतलब पीपल जो वॉर्ड है या जो किड है या जो चिल्ड्रेन है उसको प्रॉपरली मोटिवेट किया जाए या नहीं तो मोटिवेशन की कहीं बात नहीं की गई आइडलिज्म बात की गई थी वैल्यूज़ को जो आप पास करते हैं प्रिजर्व करते हैं तो आपको की वर्ड प्रिजर्व मिल भी रहा है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन वी है वैदर और नॉट इट प्रिजर्व एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशंस आप एक चीज़ को आगे पास ऑन करेंगे तो बी ऑप्शन अभी तक के लिए करेक्ट है अब ऑप्शन कैसे आते हैं कि सारे ही ठीक uh, होंगे और आपको देखना विच वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं कुछ तो आप चलो एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन कुछ दो या तीन ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाना होता है तो बी ऑप्शन अभी तक के लिए तो ठीक है द एक्सटेंट टू विच इट सेटिसफाइड पीपल डिज़ायर आइडलिज्म में पीपल डिज़ायर की कहीं बात नहीं की गई वैल्यूज़ की बात की गई सारा कंट्रोल भी किसके हाथ में था टीचर के हाथ में जो आपको जो वैल्यूज देना चाह रहे हैं उन वो आपको रिसीव करनी है स्टूडेंट का रोल क्या था एज ए पैसिव लर्नर था और टीचर का एक्टिव रोल था तो पीपल डिज़ायर पीपल की वॉन्ट्स क्या है वो एट प्रेजेंट एजुकेशन है स्टूडेंट नीड्स एंड स्टूडेंट डिज़ायर के अकॉर्डिंग तो आइडलिज्म तो नहीं है इसमें द मैनर इन विच इट इफेक्ट्स फ्यूचर एक्सपीरियंस फ्यूचर एक्सपीरियंस आपके पेगमेटिज्म एक्सटेंशनिज्म की बात जब आप करेंगे एक्जिस्टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर एक्सपीरियंस वहाँ आ जाता है आपका पैगमेटिज्म और एक्सटेंशनिज्म की तरफ तो ये भी नहीं है फर्स्ट ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन ऑप्शन बी इज यो राइट आंसर क्लियर क्वेश्चन को आपने समझना है बाकी ऑप्शन को भी देखना है कि किस तरफ जा रहे हैं आपके ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव वन ऑफ द वे टू डील विद द डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअलिटी इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यवर्टी इज़ डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज़्म हमने डिस्कस किया हुआ है लर्निंग थ्योरी के वक्त तो किस टाइप का है ये देखिए इसमें कीवर्ड ख़ुद ही मेंशन है अनवांटेड डिज़ायर आपको मैंने बताया था सब्लीमेशन जहाँ पे अनवांटेड डिज़ायर की बात करते हैं ठीक है कि आपकी अनवांटेड डिज़ायर हैं डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को आप डिफेंड कर रहे हैं तो वो आपको किस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है जब अब सेक्सुअलिटी इन चिल्ड्रन डेवलप होती है अडोल्सन टाइम में तो सब्लीमेशन हमारी अनवांटेड डिज़ायर को हम चाहते हैं कि वॉन्टिड में कन्वर्ट हो जाए या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो जाए तो सब्लीमेशन इज़ द राइट आंसर उसमें यही बात की गई है अनवान्टड डिज़ायर एंड ऑल प्रोजेक्शन जब जो आपकी सोच है आप दूसरे को उस तरीके से देख रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो डिफेंड मैकेनिज़म यहाँ पे उस बात को नहीं किया जा रहा कंपनसेशन मीन्स एक की जगह दूसरा रैशनाइजेशन जिसके क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि जैसे आपके मार्क्स कम आए तो आपने क्या लॉजिक दिया इन लॉजिकल बात करेंगे लॉजिक देखकर कर लेकिन वो लॉजिक ऑबियसली सही नहीं होगा रैशलाइजेशन में जब आप कहेंगे कि आपके मार्क्स कम आए क्योंकि टीचर ने मार्क्स कम दिए आपने इस बात में कोई लॉजिक नहीं आपके मार्क्स कमाए आपकी मेहनत कम थी आप टीचर पर डिफेंस मैकेनिज्म अगर अप्लाई कर रहे हैं तो रैशनदेशन जिसमें रैशनल बिहेवियर की तरफ बात कर रहे हैं आप कोई ना कोई लॉजिक दे रहे हैं अपनी तरफ से जो ऑब्वियसली लॉजिक ठीक नहीं है तो सब्लिमेशन जहां पे अनवांटेड सेक्शुअल डिजायर यही बात की गई है इसमें तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट वी हैव विच एजुकेशनल एक्टिविटी इज मोस्ट डिजायरेबल टू द प्रेगमेटिस्ट अब प्रेगमेटिज्म की बात कर रहे हैं आप ठीक है कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटी कीवर्ड्स को देखो एजुकेशनल एक्टिविटी की बात हो रही है तो अप्रॉक्सीमेट द गोल्स विच एजुकेशनल साइंटिस्ट हैव बिल्कुल करेक्ट uh, आंसर जा रहा है ये अभी फिलहाल के लिए रख लेते हैं इसे रिजल्ट फ्रॉम द इनडिसक्रिमिनेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक थ्योरी देखो इनडिस्क्रिमिनेशन डेमोक्रेटिक थ्योरी ये मार्किजम कंसेप्ट की तरफ थे दैट इज बेनिफिशियल इफेक्ट अपॉन द फ्यूचर एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ये भी काफ़ी हद तक ठीक है हम दोनों में से कंपेयर करेंगे दैट करैक्ट्रिस्टिक्स बाय स्पॉन्टेनियस एक्टिव एंड कॉन्टीन्यूस प्लेजरेबल एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड ऑफ द पीपल अगर पीपल की बात करें तो यहाँ तो प्लेजरेबल और प्रैक्टिकल स्पॉन्टेनियस एक्टिव यहाँ पर पीपल की हम वो बात नहीं कर रहे हम एजुकेशन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं अब एजुकेशन एक्टिविटी ऑप्शन ए और सी में से देखो कौन सा बेस्ट होगा साइंटिस्ट जो सेट करेंगे गोल्स प्रेगमेटिज्म uh, बात की गई थी लर्निंग की प्रैक्टिकल एटीट्यूड की तो एजुकेशन एक्टिविटी ऑप्शन सी भी काफ़ी हद तक ठीक है फ्यूचर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वो ओवरऑल बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ बात कर की जा रही है कि एजुकेशन एक्टिविटी इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल खुद ही उन्होंने बता दिया कि विच इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल तो दैट इज़ एजुकेशन एक्टिविटी एजुकेशन साइंटिस्ट हैव सेटअप ऐसा गोल जो साइंटिस्ट सेट करेंगे तो यह आंसर आपका ज़्यादा सही है तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर ठीक है मैंने आपको अभी बताया कि हमें विच वन इज़ मोर अप्रोप्रिएट उसकी तरफ जाना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो वॉज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म सबको पता है बहुत बार डिस्कस किया हमने ठीक है कौन है सपोटर रूसो ठीक है रूसो हैं जो नेचुरलिज्म बैक टू नेचर की बात की उन्होंने फ्रीडम आस्पेक्ट में बात की विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू मैमरी अब यहाँ बात कर रहे हैं मैमरी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा जनरल क्वेश्चन है पेपर वन में भी आ सकता है ये इंटरेस्टिंग डिसइंटरेस्टिंग लर्निंग मटीरियल का इम्पैक्ट आएगा मैमरी पे बिल्कुल आएगा गोल बिहाइंड लर्निंग मेमोरी पे इम्पैक्ट आएगा जेंडर क्या आप जेंडर बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि मेमोरी में क्या आ, कितनी मेमोरी होगी नहीं ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर जेंडर का कोई मतलब नहीं है मेमोरी से ठीक है वायदर योर बॉय और गर्ल आपकी मेमोरी है इक्वल है आप उसका जेंडर का कोई आप सम समेस्ट आफ्टर रेस्टिंग फटीक रेस्टिंग बिल्कुल मेमोरी आप रेस्ट ले लेकर स्टडी करेंगे तो मेमोरी पे इम्पैक्ट आएगा किसका नहीं आएगा जेंडर का इफेक्ट नहीं आएगा क्लियर ओके विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फाउंडेड बाय दी महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी ने बात की थी बेसिक एजुकेशन की क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की ठीक है इन्होंने बात की थी वोकेशनल एजुकेशन की तो टीचिंग बाय एक्टिविटीज़ पार्ट है टीचिंग थ्रू म्यूजिक की स्पेशल बात की थी टीचिंग थ्रू लिसनिंग मेडिटेशन में भी बात की थी मेडिटेशन की कि योगा इसमें भी था तो ऑल ऑफ दीज इज़ योर राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर वो रेस्ड दिस स्लोगन बैक टू नेचर बहुत ईजी है नेचुरलिज्म इज द राइट आंसर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरिज्म इज नॉट करेक्ट ध्यान देना है हमने कि नॉट करेक्ट है अरिएक्शन अगेंस्ट द रिएक्शन अगेंस्ट द डीजनरेटेड यूमैनिज्म ऑफ द रेशन पीरियड रेशन पीरियड था जब आपका फिफ्टीन टू सेवनटीन सेंचुरी तक एक अलग ही चेंज सोसाइटी में आ रहा था उसकी बात थी और ऑप्शन रिपीट हो गए हैं बी ऑप्शन भी सेम है रिएक्शन अगेंस्ट सफिस्टिकेशन आर्टिफिशलिटी इसकी बात कर जाए तो ये भी ऑप्शन में नेचुरलिज्म की हम बात कर रहे करें नॉट करेक्ट अ रिएक्शन अगेंस्ट अ मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज एंड मेयर स्टडी ऑफ बुक्स देखो नेचुरलिज्म में बात तो की गई थी कि आप बुक्स को रहने दीजिए और फ्रीडम आस्पेक्ट में करिए लेकिन अगेंस्ट नहीं थी बुक्स के ठीक है अगेंस्ट नहीं थे ऑप्शन डी किसी भी चीज़ ऐसे अगेंस्ट नहीं थे बुक्स के कि नेचर में फ्रीडम दीजिए स्टडी करने के लिए लेकिन अगेंस्ट बिहेवियर की बात नहीं की थी तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर डिसीजन मेकिंग इज़ अ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है थिंकिंग है क्या सिर्फ थिंकिंग आपकी डिसीजन मेकिंग है मैमरी परसेप्शन ऑप्शन डी आपको दिख रहा है राइट right आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी प्रॉब्लम के सॉल्विंग डिसीजन की तरफ डिसीजन लेते हैं हम जैसे आपके पास तीन ऑप्शन है आपको चूज करना है आपके पास एक प्रॉब्लम है आपको उसमें से निकलना है तो उसके लिए आप डिसीजन लेंगे तो डिसीजन मेकिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर वट टाइप ऑफ एजुकेशन इज इम्पार्टिड बाय द फैमिली फैमिली जो हमारा फर्स्ट स्कूल जिसे हम कहते हैं कि आप सबसे पहले फ़ैमिली में आते हैं उसके बाद आप स्कूल जाते हैं फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो फॉर्मल तो नहीं है आंसर इनफॉर्मल फैमिली किस टाइप की एजुकेशन है जहाँ पर आपको इनफॉर्मल बिहेवियर स्टडी करते हैं आप तो बी ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर डेलीब्रेट रेगुलर ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है ऑप्शन बी बट टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द फैमिली इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन ठीक है ओके okay. क्वेश्चनिंग इन द क्लास रूम जब हम लोग स्टडी ले रहे थे तो हमें क्लास में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम क्वेश्चन पूछ पाएं या कुछ ही फेवरेट स्टूडेंट थे वो जो क्वेश्चन पूछते थे वही बहुत ही आ, कम तो क्वेश्चनिंग आप करेंगे क्लास रूम में आप टीचर से आप पूछते हैं कुछ चीज़ें तो क्या होगा क्लैरिफाई दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्स येस डिवलप्स इन एक्टिविटी इन एक्टिविटी तो नहीं है आप एक्टिव हैं तभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑप्शन बी तो नहीं है इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं क्रिएट इन डिसिप्लिन नेवर तो ऑप्शन ए इज़ यू राइट आंसर आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको क्लैरिफाई होगा सब्जेक्ट मैटर ठीक है ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन वी हैव अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन चाइल्ड हुड इज़ समथिंग डिजायरेबल चाइल्ड हुड इज़ समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन देखो किस फिलासफी में कहा गया कि जो चिल्ड्रन है उन्हें चिल्ड्रन ही रहने दीजिए आइडलिज्म में तो बात की थी विचारों की वैल्यूज़ की मैगमेटिज्म तो कहता है कि भाई चिल्ड्रन खुद अपना ब्रेन यूज़ करें और प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप करें तो ए और बी तो नहीं है आपको दिख रहा है आंसर नेचुरलिज्म जिसने बात की है कि चिल्ड्रन है उन्हें चिल्ड्रन ही रहने देते हैं ठीक है तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर विच इज दीज इज करेक्ट स्टेटमेंट देखो ये मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट है बी एड एम एड में आपने किया होगा मॉडर्नाइजेशन इज आउटकम ऑफ सोशल चेंज येस ऑफकोर्स दिस इज द राइट आंसर फिर भी हम बाकी ऑप्शन देखते हैं सोशल चेंज इज द आउटकम ऑफ मॉडर्नाइजेशन सोशल चेंज जो है आउटकम है मॉडर्नाइजेशन का ठीक है देखो सोशल चेंज की वजह से मॉडर्नाइजेशन है सोशल चेंज जब आप में चेंज आता है और आप अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे तो सोशल चेंज आउटकम नहीं है उसकी वजह से एक आउटकम निकल रहा है दैट इज मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर की मॉडर्नाइजेशन इज द आउटकम ऑफ सोशल चेंज सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि दोनों सेम है तो ये भी ऑप्शन आंसर गलत है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर वो इम्फिसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस सोशल प्रोसेस की स्टेटमेंट आई थिंक जिन्होंने बी एड एम एड कोर्सेज में एग्जाम लिखा है अभी या कर रहे हैं एग्जाम लिख रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इजी है क्योंकि तो हम एक दो डेफिनेशन याद करते हैं तो जॉन डिवे ने दी थी ये डेफिनेशन कि जो जॉन डिवे के अकॉर्डिंग एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस हम सोशल इन्वायरमेंट में रहेंगे और ख़ुद सीख जाएंगे प्रैक्टिकल एटीट्यूड आएगा एक्सपीरियंसेस सीखते हैं तो ऑप्शन सी इज़ यू राइट आंसर विवेकानंद ने मैन काइंड मैन मैं मेकिंग एजुकेशन की बात की थी ठीक है दूसरों ने बैक टू नेचर की बात की थी तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी इज़ यो राइट आंसर द स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड गिव द मैसेज दैट भाई रॉड को साइड पे रखो और बच्चे को बिगाड़ने दो ये मैसेज क्या कह रहा है जस्ट ये मैसेज पूछ रहे हैं कि ये मैसेज क्या कह रहा है वो कह रहे हैं कि आप रॉड को साइड पे रखो मतलब पनिशमेंट मत करो बच्चे को और आप बच्चे को स्पॉयल होने दो पनिशमेंट इन द क्लास शुड भी बैन ये तो नहीं कह रहा है यह स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है कॉपरेबल पनिशमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप बहुत ही क्रूअल होकर अच्छे से पिटाई कर रहे हैं तो ये भी नहीं कह रहा है स्टेटमेंट अनडिजाइबल बिहेवियर मस्ट भी पनिश्ड ये कह रहे हैं कि अगर आप रॉड नहीं उठाएंगे या रॉड को साइड में रख देंगे तो आप अपने बच्चे की अनडिजायरेबल बिहेवियर को से उसे स्पॉयल होने देंगे तो ऑप्शन सी इज ये राइट आंसर अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड ठीक है रॉड को साइड पर रखेंगे तो आपका जो चिल्ड्रन है वो स्पॉयल हो जाएगा दैट मीन्स कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसे मस्ट बी पनिश्ड ऐसा नहीं है कि डंडा उठाकर पीटना है अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड सी ऑप्शन इज राइट आंसर दैन वी हैव चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद दॉट्स ये नहीं बिल्कुल नहीं कि बच्चों को आप दॉट से पीटें नो no. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अनडिजर्वल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड ओके नेक्स्ट वी हैव सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन एम्प्लाय द ट्रेनिंग ऑफ सोशल एम्स की बात ही हम उन्होंने की खुद ही दे दिया कि सोशल एम्स का क्या मतलब है एजुकेशन में द इंडिविजअुअल फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी बिल्कुल ठीक ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर इससे बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं अभी कि ज़्यादा करेक्ट किया है बी में बताया गया है कि इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ये तो इंडिविजुअल नेम की बात है द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज दिस इज़ ऑल्सो इंडिविजुअल नेम इंडिविजुअल नेम जब आप एक दो अपनी बात कर रहे हैं द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़ यहाँ भी इंडिविजुअल नेम की बात है और हमसे पूछा क्या गया है सोशल एम सोशल एम आपका है ऑप्शन ए इज राइट आंसर द इंडिविजुअल फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्विंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी जब सोसाइटी की नीड्स को आप सर्व करेंगे वट डज द इंडिविजुअल एम अगेन आपका क्वेश्चन साथ में आ गया कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है एजुकेशन मस्ट सिक्योर फॉर एवरी वन द कंडीशन अंडर विच द इंडिविजुअलिटी इज मोस्ट कम्प्लीटली डेवलप्ड हर इंडिविजुअल आस्पेक्ट पर या हर इंडिविजुअल के लिए आप एजुकेशन बना रहे हैं तो दैट इज योर इंडिविजुअल एम ठीक है सोसाइटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो सोशल uh, एम्स तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर इट मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीस एंड हैप्पीनेस फॉर दी होल सोसाइटी ये सोशल एम की बात हो गई इट शुड हैव मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशन एवरी ईयर ये भी एक जर्नल स्टेटमेंट है आपसे पूछा है कि इंडिविजुअल एम क्या है एजुकेशन में ये बता रहा है कि इंडिविजुअलिटी को आपने डेवलप करना है एजुकेशन में ईच एंड एवरी कंडीशन तो ऑप्शन ए इज़ यू राइट आंसर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी का नेक्स्ट टू नेचर द चाइल्ड शुड भी ब्रॉड इन टू टच विद द स्ट्रीम ऑफ सोशल बिहेवियर बाय सीइंग दिस टैगोर इज ट्राइंग टू इम्फिसाइज फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन्होंने क्या कहा देखो नेक्स्ट टू नेचर द चाइल्ड शुड भी ब्रॉड इंटू टच विद द स्ट्रीम ऑफ सोशल बिहेवियर की वर्ड आपको खुद मिल गया सोशल बिहेवियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट सोशल एम्स ठीक है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर तो अभी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं नेक्स्ट क्लास में हम और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लग रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल जो भी चैनल के साथ नए हैं और वीडियोज़ को लाइक कीजिए एक साइलेंट व्यूर ना बन के कमेंट कीजिए पी डी एफ में शेयर करूंगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पर थैंक यू